हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका नॉलेज। आज मैं आपको चैप्टर वन रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। और जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने 1.1 को कंप्लीट कर दिया था, और आज हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन शुरुआत करेंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, पिछले एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या देखा था रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता था, देखिए मैं ब्रीफ में बता देता हूँ छोटा में। मतलब देखिए, मान लीजिए कोई सेट था ए, उसमें एलिमेंट था 1 और 2, और कोई सेट था बी जिसमें एलिमेंट था 3 और 4। तो इसका रिलेशन हम लोग कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी करके हम लोग इसका रिलेशन निकालते थे। ए क्रॉस बी करते थे, तो देखिए ए क्रॉस बी करके हम लोग रिलेशन निकालते थे। इसी को आर भी हम लोग बोल सकते हैं। रिलेशन जो होता है वो कभी भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी का या तो सबसेट होगा या ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। तो देखिए, रिलेशन का मतलब पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब जो है हम लोग 1.2 का इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है। तो देखिए, हम लोग 1.2 के इंट्रोडक्शन में अभी समझेंगे कि फंक्शन किसको बोला जाता है। ये देखिए, फंक्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लिखिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। फंक्शन का डेफिनेशन होता है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड। देखिए, फंक्शन का जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाया, इसका मतलब है, देखिए, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड। मतलब इस तरह का रिलेशन जिसमें एक बार जो डोमेन आ गया वो डोमेन दोबारा नहीं आ सकता, उसको हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन। तो देखिए, एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है इस प्रकार का, तो देखिए इसमें मान लीजिए, मैंने आपको एक चीज और बताया था, जब कोई ऐसा रहता है एलिमेंट, इसको साइड में बॉक्स बना के लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको देखिए, एक्स को हम लोग बोलते थे डोमेन, और वाई जो है इसको हम लोग बोलते थे रेंज। तो इसमें देखिए, डोमेन इसमें क्या, ये है डोमेन, ये है डोमेन, और ये है डोमेन। डोमेन को मैं डी लिख दे रहा हूँ। देखिए इसमें तीनों डोमेन क्या है, एक में है 1, एक में है 3, एक में 5, तीनों क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो है आपका, ये रिलेशन आपका क्या है, फंक्शन है। इस रिलेशन को हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ऐसा है, 1 2 1 3 और 2 3 का। तो देखिए इसमें क्या है, डोमेन ये तीनों है, ये है डोमेन, ये है डोमेन, और ये है डोमेन। 1 जो है 2 बार डोमेन है, इसका मतलब आप यहाँ क्या लिखिएगा, डोमेन इज रिपीटेड सो इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करने। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लोग अपना लिखते चलिए, जिससे आप लोगों को सुविधा होगा। अगर आप बाद पे टालिएगा तो दिक्कत आप ही को होगा, आप खुद कंसिस्टेंट नहीं रह पाइएगा तो बहुत दिक्कत है क्लास 12 में। इसीलिए आप मेरे साथ करते चलिए, आपको थोड़ा थोड़ा डेली होते जाएगा, आपका आराम से सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा। सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको,
आप देखिए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन का जो है, टाइप ऑफ फंक्शन होता है चार तरीके का। देखिए सबसे पहले होता है वन वन फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा जो होता है आपका मेनी वन फंक्शन, तीसरा टाइप जो होता है उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, इसका एक और नाम भी है सर्जेक्टिव फंक्शन। और चौथा जो आपका है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो कोई अलग से एक प्रॉपर्टी नहीं है, बाइजेक्टिव फंक्शन हम उस फंक्शन को बोलेंगे जो फंक्शन वन वन भी हो प्लस ऑन टू भी हो। जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो चलिए अब हम लोग सभी फंक्शन को एक एक करके डिस्कस करें। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम लोग जो है सभी फंक्शन को बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पहला आपका क्या था, वन वन, जिसका नाम और एक था इंजेक्टिव फंक्शन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वन वन का एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ऐसे में बोलूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा। देखिए सबसे पहले आप लीजिए एरो डायग्राम, मान लीजिए यहाँ पे x और y का एक रिलेशन लेते हैं, जिसमें x में एलिमेंट है आपका a b c d और y में एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। मान लीजिए a का है 1 के साथ रिलेशन, b का 2 के साथ, c का 3 के साथ, d का 4 के साथ, 5 में कोई रिलेशन नहीं बना है। तो देखिए इस जो पार्ट को है इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को इसको बोलते हैं डोमेन, जिसका एक और नाम है प्री इमेज। और इस जो आपका पार्ट है इसका नाम जो है, इस पूरे पार्ट का नाम, जिसके साथ एलिमेंट बने या ना बने, इस पूरे पार्ट का आपका क्या नाम है, कोडोमेन। और जिस जिस के साथ आपका इमेज जिस जिस के साथ बना है, मतलब देखिए डोमेन पुट करने पर जिस जिस के साथ एलिमेंट बना है उन चारों को हम लोग बोलेंगे रेंज, जिसको बोला जाता है इमेज। तो यहाँ पर ही मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ फिगर बना के प्रॉपर नोट्स बनाइएगा तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प होगा उससे। देखिए डोमेन जो है उसको ऐसे लिखिएगा, डोमेन यहाँ पे क्या क्या है, ए बी सी डी। अब देखिए कोडोमेन जो है, कोडोमेन मैंने आपको क्या बताया, सारा सेट जिसके साथ रिलेशन बने या ना बने, इसका मतलब कोडोमेन आपका यहाँ पे है 1 2 3 4 5। और अब जो है रेंज जो आपका है, इसमें रेंज जिस जिसके साथ एलिमेंट बनेगा, रेंज को इमेज भी बोला जाता है। देखिए रेंज होगा 1 2 3 और 4। देखिए इससे आप लोगों को एक चीज और समझ आता है कि रेंज जो है वो हमेशा या तो सबसेट होगा या इक्वल होगा कोडोमेन के। देखिए वन वन फंक्शन का मतलब ये देखिए, एग्जांपल से मैं समझ जा रहा हूं आपको। सबसे पहले लेंगे एक्स और वाई का एक रिलेशन, एक डोमेन के साथ एक ही रेंज बनना चाहिए। इसमें वन वन का सबसे मेन है आपका कंडीशन यही कि अगर एक होगा डोमेन तो उसके साथ एक ही रेंज होगा। अगर दो, एक डोमेन के साथ दो रेंज हुआ या दो डोमेन के साथ एक रेंज हुआ तो उसको हम लोग वन वन में काउंट नहीं करेंगे। वन वन का मतलब एक डोमेन और एक रेंज, ना एक डोमेन दोबारा आना चाहिए ना एक रेंज दोबारा आना चाहिए। वन वन का मतलब ये होता है। वन वन का आपको एनसीईआरटी की तरह से मैं आपको अगर कंडीशन बताना चाहूं, जो एनसीईआरटी बुक में आपका गिवन है, तो देखिए वो मैं आपको बताता हूं।
एनसीईआरटी बुक में जो है आपका वो दो कंडीशन गिवेन है, 1-1 करने के लिए, कोई भी फंक्शन को 1-1 प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन गिवेन है एनसीईआरटी में, तो बुक से भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए कंडीशन है fx इक्वल टू fy अगर fx इक्वल टू fy हुआ तो x इक्वल टू y होना चाहिए, तो जाके आपका वो क्या हो जाएगा 1-1, ये कंडीशन होना चाहिए fx इक्वल टू fy और x इक्वल टू y। और एक कंडीशन आपका क्या होना चाहिए fx नॉट इक्वल टू fy और x नॉट इक्वल टू y, तो भी आपका क्या हो जाएगा 1-1। तो देखिए इसको याद रखिएगा, बॉक्स बना देता हूं मैं, जिसको मैं बॉक्स बनाते जा रहा हूं आप लोगों को वो कंडीशन याद रखना है। तो देखिए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक गलती क्या हुई है, यहाँ पे आप और को मिटा के एंड कर दीजिएगा, क्योंकि और का मतलब हो जाएगा या तो ये या ये, लेकिन ये नहीं, हम लोगों को अगर ये दोनों चीज मिलेगा तभी हम बोल पाएंगे कि 1-1 है। तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए एक है एक्स एक है वाई, इसका एरो डायग्राम बना हुआ है, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, एक्स के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, वाई के अंदर एलिमेंट है 1 और 2, ए का रिलेशन है 1 के साथ, बी का रिलेशन है 2 के साथ, सी का भी रिलेशन है आपका 1 के साथ और डी का भी रिलेशन है 2 के साथ। तो देखिए इसको हम लोग एनसीईआरटी के तरीके से फॉलो करते हैं और देखते हैं इस दोनों कंडीशन पे चेक करके कि ये आपका 1-1 है या नहीं है। तो देखिए इसमें आपका क्या बोला है, एफ ए इक्वल टू 1 बोला है और एफ सी भी आपको क्या बोला है 1। तो देखिए अगर यहाँ पे आपको तो ये बोला है, यहाँ पे देखिए एफ ए इक्वल टू एफ सी है, आपको क्या बोला है, जब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होगा तो और एक्स इक्वल टू वाई होगा तब जाके 1-1 होगा। तो देखिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं आप, एफ ए इक्वल टू एफ सी तो है, क्या ए इक्वल टू सी हो सकता है? देखिए अब बोलिए ए इक्वल टू सी तो नहीं हो सकता, तो ए नॉट इक्वल टू सी, तो यहाँ पे जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एक नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉट 1-1। देखिए एनसीईआरटी के तरह से तो आप इतना बना के समझना पड़ेगा आपको, लेकिन सीधा मैं देखिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, 1-1 का मतलब होता है एक डोमेन एक रेंज, एक डोमेन ना दोबारा आना चाहिए, देखिए चारों डोमेन में कोई दोबारा नहीं आया, ना एक रेंज दोबारा आना चाहिए, पर देखिए रेंज दोनों रेंज में दो दो बार आ गया है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, जिसके साथ इसको पूरा को बोलते हैं कोडोमेन, और जिसके साथ एलिमेंट ये किया है उसको आप बोलेंगे रेंज। तो देखिए दोनों रेंज जो है उसमें दो दो बार आया है, एक रेंज दो बार आया, 1 जो है दो बार आया है, ए के साथ भी सी के साथ भी, तो इसका मतलब सीधा इसको देख के पता चलता है एरो डायग्राम को कि ये जो है आपका 1-1 नहीं है। एक एग्जांपल और मैं लेके समझाता हूँ आपको, देखिए एक एग्जांपल और है, मान लीजिए एक्स और वाई का रिलेशन है, एक्स के अंदर एलिमेंट है ए बी सी और वाई के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ए का 1 के साथ रिलेशन, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी के तरीके से, पहले देखते हैं एफ ए इक्वल टू 1 है, एफ बी इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ए 1 है एफ बी 2 है, तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, और ए जो है बी के इक्वल होगा या नहीं, तो नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू बी 2। और यहाँ पे कंडीशन देखिए दूसरा नंबर का जो है, एफ एक्स अगर नॉट इक्वल टू एफ वाई हुआ और एक्स नॉट इक्वल टू वाई हुआ तो आप क्या बोल सकते हैं कि 1-1 हो। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई तो है और एक्स नॉट इक्वल टू वाई भी है, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, 1-1 फंक्शन। और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उससे भी आप सीधा बोल सकते थे, देखिए तीनों डोमेन है, तीनों डोमेन कोई दोबारा नहीं आया, तीनों डोमेन एक एक बार,
तीनों रेंज है, तीनों रेंज भी एक बार, अगर एक डोमेन और एक रेंज एक बार से ज्यादा नहीं आता है तो फिर आप क्या बोल सकते हैं कि वो वन वन होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने वन वन फंक्शन को देख लिया और समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के फंक्शन की तरफ जिसका नाम है मेनी वन फंक्शन। तो अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, मेनी वन फंक्शन की तरफ। तो देखिए मेनी वन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी है। आप लोग देखिए, मान लीजिए एक एरो डायग्राम हम लोग बनाते हैं x से लेकर y के रिलेशन का। x के अंदर एलिमेंट है abc, y के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। मान लीजिए a का रिलेशन है 1 के साथ, b का भी रिलेशन है 1 के साथ और c का रिलेशन है 3 के साथ। तो देखिए मेनी वन फंक्शन हम लोग तब बोलेंगे जब एक रेंज दोबारा आ जाए। मतलब देखिए यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, a जो है 1 के साथ है और b भी जो है, b का भी रेंज 1 है। तो देखिए अगर एक रेंज दो चीज में आ जाता, दो डोमेन में अगर सेम रेंज आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। देखिए मेनी वन फंक्शन आपको आराम से समझ आया होगा, मैंने क्या कंसेप्ट बताया। अगर दो डोमेन का एक ही रेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। ये तो बहुत ही आसान था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर की फंक्शन की ओर जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए अब हम लोग समझते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है तो सीधा आप बोलेंगे कि फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं देखनी है। एक रेंज के साथ दो डोमेन आए, दो डोमेन के साथ एक रेंज आए, एक डोमेन के साथ दो रेंज आए और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं देखनी है। सिर्फ ये पॉसिबिलिटी देखनी है कि रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन है तो हम बोलेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है या सब्जेक्टिव फंक्शन है। एनसीईआरटी में जो आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आपको बोला अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई के कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर जाए फंक्शन तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं एक्स और वाई का। एक्स का वाई से रिलेशन है, एक्स के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, वाई में एलिमेंट है 1 2 3 4। ए के साथ 1 का, बी के साथ 3 का, सी के साथ 2 का, डी के साथ 4 का। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे को कोडोमेन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जिसके जिसके साथ एलिमेंट बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे कि कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 कोडोमेन पूरा सेट को आप लोग बोलते हैं। और यहाँ पे रेंज भी क्या है, जिसके जिसके साथ एलिमेंट बना, चारों के साथ एलिमेंट बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाता है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। सीधा आपको बस ये पॉसिबिलिटीज देखनी है कि अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है और बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी हो उसको आपको नहीं देखना है। बस ये पॉसिबिलिटी देखना है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, इसका मतलब आप सीधा बोलेंगे कि ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखिए एक एग्जांपल और समझते हैं। x के अंदर जो एलिमेंट है वो है a b c d और y के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3। मान लीजिए a के 1 के साथ, b का 2 के साथ, c का 3 के साथ, d का भी 3 के साथ। यहाँ पे क्या है, दो डोमेन का एक ही रेंज है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, मैंने आपको क्या बताया, 1 2 में आपको कौन सी कंडीशन देखनी है,
ऑन टू में आपको बस ये कंडीशन देखनी है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप कोडोमेन इक्वल टू रेंज है कि नहीं। कोडोमेन किसको बोलेंगे, पूरा सेट को, वन टू थ्री, और यहाँ पे रेंज क्या है जिसके साथ इमेज बनेगा। तो देखिए वन टू थ्री तीनों के साथ एलिमेंट बना है, इसका मतलब ये तीनों रेंज है और ये तीनों कोडोमेन भी है। तो यहाँ पे भी आप सीधा लिखिएगा कोडोमेन इक्वल टू रेंज, सो इट्स ऑन टू फंक्शन। तो देखिए ये इतना आसान कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन, जो आज का हमारा लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, और अगले लेक्चर जो है उसमें हम लोग देखेंगे 1.2 के क्वेश्चंस। ये आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगले लेक्चर से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए लास्ट आपका जो था वो था टाइप ऑफ फंक्शन का बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन तो बहुत इजी था, मैंने आपको बताया था। बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग उस फंक्शन को बोलेंगे जो फंक्शन वन वन भी हो प्लस ऑन टू भी हो। देखिए इसके पिछले में हम लोग एग्जाम्पल करवाए थे, देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लिए थे ऑन टू के लिए ही, ए बी सी डी, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, मान लीजिए ए का वन के साथ, बी का थ्री के साथ, सी का टू के साथ, डी का फोर के साथ। यहाँ पे जो है वन वन आपको देख के समझ आएगा, मैंने आपको क्या बोला था, अगर एक सभी एक एक डोमेन है, चारों डोमेन का एक एक ही बार बना है, चार डोमेन चार रेंज, ना एक रेंज दोबारा आया है ना एक डोमेन दोबारा आया है, इसका मतलब वन वन तो होगा। वन वन का मैंने यही कंडीशन बताया था आपको, एक डोमेन, एक भी डोमेन दोबारा नहीं आना चाहिए जो नहीं आया है, एक भी रेंज दोबारा नहीं आना चाहिए जो नहीं आया है। और ऑन टू का मैंने आपको क्या कंडीशन बताया था, अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, यहाँ पे देखिए डोमेन ये है, कोडोमेन आपका ये पूरा है, रेंज जो है ये चार है जिसके जिसके साथ एलिमेंट बनता है। तो देखिए यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका वन वन भी है ऑन टू भी है, इसका मतलब आप इस पूरे फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो है अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो फंक्शन का डेफिनेशन और टाइप ऑफ फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।